हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं फरवरी माह के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक, कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स, अयोध्या के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं के पहले चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन दो, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, यह किताब किसने लिखी है? इसका राइट आंसर आएगा रोमेश भट्टाचार्य जी। हाल ही में लॉन्च हुई कुछ अन्य बुक्स, ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखी हुई पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन तीन, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2024। क्वेश्चन चार, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया और ये इनके कार्यकाल का छठा बजट है, साथ ही इनके कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट भी है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। दूसरा स्थान है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का, 2.78 लाख करोड़। क्वेश्चन पांच, भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सूरत हवाई अड्डा। क्वेश्चन छह, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पोकरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन किया गया है। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों ने भाग लिया है। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन सात, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहां बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में। क्वेश्चन आठ, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 3 करोड़। पहले यह राशि 2 करोड़ थी। क्वेश्चन नो, UPI को शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस के एफिल टावर पर UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अब UPI के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे। क्वेश्चन 10, भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, व्योम मित्र। क्वेश्चन 11, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बनाया गया है। क्वेश्चन 12, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। अब हम पढ़ेंगे तेलंगाना के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुक्त बस यात्रा शुरू की है तथा यहां पर दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ONGC सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। क्वेश्चन 14, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दिल्ली।
क्वेश्चन 15, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उत्तराखंड सरकार ने बाहर के लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन 16, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के लिए गुजरात और किस राज्य में किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम में गुजरात और महाराष्ट्र में एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी कार्यक्रम लॉन्च किया है। मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे की देखभाल के बारे में संदेश भेजती है। क्वेश्चन 17, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। क्वेश्चन 18, कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन 19, प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास कहां किया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 20, प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहां किया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। क्वेश्चन 21, पीएम श्री योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। क्वेश्चन 22, उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहां हुआ है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। क्वेश्चन 23, दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहां किया गया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बकथोर्न फल को जीआई टैग मिला है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कोल बनी है। क्वेश्चन 24, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूल बैग पॉलिसी का पालन किया जाएगा। पॉलिसी के तहत पहली कक्षा के विद्यार्थी के बस्ते का बोझ 1.6 से 2.2 किलोग्राम और 10वीं के विद्यार्थी के बस्ते का बोझ 2.5 से 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन 25, पीएम नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए और इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 25 फीट। वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।